चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इसी बीच शुरू करेंगे एक बड़ी जानकारी का, आपको बताया जहां पर योगी सरकार अपना मेगा बजट जो है वो पेश कर रही है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट पेश किया है, हालांकि अभी वो बजट पेश कर रहे हैं योगी सरकार का राम राज्य वाला बजट। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बजट पेश कर रहे हैं, उम्मीदों का बजट इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि हर वर्ग को, हर किसी को, हर शख्स को अपने लिए उम्मीदें हैं कि उनके लिए इस उम्मीद भरे बजट से क्या सरकार के पिटारे से निकलकर सामने आता है। तो योगी सरकार अपना मेगा बजट पेश कर रही है। 24-25 में उस बस उद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। प्रदेश में टेक्सटाइल के नए हब बनाकर निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों के साथ साथ पावर लूम बुनकरों के उत्थान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना हेतु 400 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव है। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स एंड अपैरल योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में लगभग 1000 एकड़ क्षेत्रफल में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किया गया है। ये पार्क टेक्सटाइल एवं परिधान क्षेत्र में 10 से 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करेगा, जिससे लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। पार्क की स्थापना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 150 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। खादी एवं ग्राम उद्योग पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम उद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ब्याज उत्पादन की सुविधा 3 वर्षों तक दिए जाने का प्राविधान है। योजना हेतु 14 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खादी एवं ग्राम उद्योग विकास तथा सतत रोजगार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत 15 करोड़ 75 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में माटी कला के परंपरागत कारीगरों को रोजगार से जोड़ने हेतु माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के लिए 11 करोड़ 25 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत 3 अत्याधुनिक निजी डाटा सेंटर पार्क्स विकसित करने तथा राज्य में 250 मेगावाट डाटा सेंटर उद्योग का विकास किए जाने का लक्ष्य था। नीति को अधिक युक्तिसंगत बनाते हुए 8 डेटा सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 900 मेगावाट क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 के तहत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश का लक्ष्य प्राप्त किया गया तथा लगभग 3 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। सरकार द्वारा अधिसूचित नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने तथा राज्य में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के 210 संभावित निवेशकों से लगभग 3867 करोड़ रुपए के निवेश और लगभग 2.15 लाख व्यक्तियों हेतु रोजगार संभावनाओं युक्त अभिरुचियां प्राप्त हुई है। बेसिक शिक्षा छात्र छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए क्रय प्रक्रिया को बंद करते हुए डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए प्रति बच्चे की दर से धनराशि सीधे अभिभावकों के खाते में स्थानांतरित की जा रही है। कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत लगभग 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क स्वेटर एवं जूता मोजा उपलब्ध कराने हेतु 650 करोड़ तथा स्कूल बैग हेतु 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के 2 लाख से अधिक बच्चों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रवेश दिलाए जाने का लक्ष्य है, जिस हेतु 255 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 300 करोड़ रुपए से ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कराई जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 498 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था है। बनटांगिया गांव में 36 प्राथमिक विद्यालयों के संचालन हेतु 144 पद सृजित किए गए हैं। गरीबी रेखा से ऊपर के लगभग 30 लाख छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण हेतु 168 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। माध्यमिक शिक्षा वर्ष 2024-25 तक प्रदेश के समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त किए जाने एवं प्रत्येक राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास तथा आईसीटी लैब की व्यवस्था किए जाने हेतु समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत
516.64 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नवीन राजकीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय संस्कृत विद्यालयों में छात्रावास एवं मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु 10.46 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सैनिक स्कूल गोरखपुर के संचालन हेतु 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। उच्च शिक्षा विंध्याचल धाम मंडल में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय तथा देवी पाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए 51.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने हेतु मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना तथा राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किए जाने हेतु 55 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्राविधिक शिक्षा प्रदेश के में डिप्लोमा स्तरीय 169 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 75 राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन अवस्थापना की प्रक्रिया में है, जिन्हें निकट भविष्य में PPP मोड पर संचालित किया जाना है। वर्तमान में 1874 निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। AKTU द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिसर में सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज के अंतर्गत एक इनोवेशन हब की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत 15 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित है। उक्त के साथ साथ 265 स्टार्टअप ऑन बोर्ड हो गए हैं। व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास हमारी सरकार द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था हेतु $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लिया गया है। वर्तमान में माध्यमिक स्तर के 804 राजकीय एवं 729 सहायता प्राप्त विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रवीण योजना अंतर्गत 301 राजकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था है। युवाओं को दीर्घकालीन व अल्पकालीन रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का। तो योगी सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का राम राज्य का बजट पेश कर रही थी। आप सुन रहे थे सदन की कार्यवाही को। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।